हेलो एवरीवन, पूनम सुक्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ गुलाब जामुन मूस केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एकदम सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग टेक्सचर का ये रहेगा, साथ ही में टेस्टी गुलाब जामुन का स्वीटेंड क्रीम के साथ कॉम्बिनेशन इस केक को फेस्टिवल अप्रोप्रिएट बना देता है। खास बात तो ये है कि आज हम इस केक को बिना मूस केक मोल्ड के बनाएंगे, तो कोई भी बिगनर ना बहुत ईजिली फॉलो भी कर पाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए गुलाब जामुन मूस केक को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना हम प्रीमिक्स बनाएंगे आज। तो इसके लिए ना मैंने सबसे पहले 1/4 कप लिया है मैदा। 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बट टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1/4 टीस्पून डालूंगी मैं बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून का आधा डालूंगी मैं बेकिंग सोडा। 1 चुटकी डालूंगी नमक और 1 इलायची है, इसके दाने को निकाल कर मैंने डाल दिया है। अब ना इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से हम फाइन पाउडर बना लेंगे और ये बिल्कुल रेडी है। अभी इसको साइड में रखेंगे। अब ना हम प्रीहीट भी देख लेते हैं। तो प्रीहीट करने के लिए एक बड़ा पतीला लिया है मैंने, नीचे में स्टैंड रख दिया है, ऊपर से लिड लगा देंगे। 10 मिनट तक लो फ्लेम पर प्रीहीट होने देंगे। अब यहाँ पर केक के बैटर को बना लेते हैं। तो जो प्रीमिक्स हमने बनाया है उसे एक बोल में डालेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच और इसी के साथ इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर इसका लम्प फ्री और स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे। वैसे दूध ना मुझे यहाँ पर 1/4 कप से भी कम ही लगा है दूध बैटर को बनाने में। तो देखिए यहाँ पर इस कंसिस्टेंसी का बैटर होगा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, इस तरह से परफेक्ट कंसिस्टेंसी होगी। अब यहाँ पर जल्दी से एक पतीला लेंगे और नीचे में बटर पेपर लगा देंगे और ऑयल से ना ग्रीसिंग कर देंगे। आप चाहे तो ये स्टेप को पहले भी करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रीस कर दिया, अब इसी में ना हम अपने प्रिपेयर किए हुए बैटर को डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से डालेंगे, 2 से 3 बार टैप कर लेंगे और अब अपने प्री हीटेड बर्तन में हम इसको रख देंगे। तो ये भी हो गया, अब इसको ढक देंगे। और केक को बनने में ना 12 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। आपको टाइम ना 3 से 4 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है, आप इसे एक बार 12 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ना टोटल 15 मिनट हुआ है और यहाँ पर मेरा केक बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी बैटर नहीं लग रहा है। तो बस अब अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और हम अब केक टिन को बाहर निकाल लेंगे और केक को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। इसके बाद ना मैंने यहाँ पर लिया है ये थोड़ा सा दूध है, लगभग 2 चम्मच जितना। इसमें मैंने थोड़ा सा केसर डाला है, ये हल्का गर्म दूध मैंने लिया है, और केसर डाल के ना मिक्स कर लेंगे और इसको साइड में रख देंगे ताकि केसर अपना कलर रिलीज़ कर सके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर ना मैंने 1 कप लिया ये चिल्ड व्हिपिंग क्रीम और इसको ना हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने आज ट्रोपोलाइट की व्हिपिंग क्रीम का यूज़ किया है और यहाँ पर जब ये थोड़ा सा बीट हो जाए, जब इसमें इस तरह से सॉफ्ट पीक्स आने लगे ना, तो मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। तो मैंने यहाँ पर लगभग 3 बड़े चम्मच जितना कंडेंस मिल्क डालूंगी और इसी के साथ जो अपने केसर वाला दूध हमने बनाया है ना, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, हमें ना क्रीम को सॉफ्ट पीक्स तक ही रखना है, स्टिफ पीक्स नहीं करना है। मैं आपको दिखाती हूँ आपको इसको किस तरह से रखना है। ये देखिए, इस तरह से। ऐसे क्रीम को बीट करने में ना 3 से 4 मिनट का ही वक्त लगेगा और इस कंसिस्टेंसी का क्रीम होगा। तो अभी इसको साइड में रखेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने ये OHP शीट लिया है, बहुत ही ईजिली स्टेशनरी शॉप में मिल जाता है। वैसे इसको एसीटेट पेपर भी बोलते हैं, 4 से 5 रुपये में आपको पर शीट मिल जाएगा। हमने इसको हाफ में फोल्ड करके कट कर लेंगे 2 पार्ट्स में, इस तरह से बिल्कुल। इसके बाद ना इन दोनों पार्ट्स को क्या करना है ना, एक दूसरे के ऊपर रखना है और इसको सेलो टेप से सिक्योर कर देना है, ठीक है, आगे साइड से भी और पीछे साइड से भी। दोस्तों, अगर आपके पास ये मूस केक बनाने वाला मोल्ड नहीं है ना, तो ये आइडिया बहुत ही परफेक्ट रहता है और कोई भी बिगनर ना बहुत ही ईजिली इसको फॉलो भी कर लेगा। तो अपनी सारी तैयारियाँ हो गई है और केक भी अब अच्छे से ठंडा हो गया है। तो ना केक को अब हम डीमोल्ड कर लेंगे और केक को ना हमने 12 से 15 मिनट में बेक कर लिया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि केक ना पतला है, तो बहुत ही ईजिली जल्दी से हो जाएगा बेक। तो आप देख सकते हो केक एकदम सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, तो परफेक्ट यहाँ पर हमारा केक बेक हुआ है। तो अब क्या करेंगे ना, एक प्लेट में हम इस केक को इस तरह से पहले प्लेस करेंगे। इसके बाद जो हमने अपने OHP शीट को कट करके बनाया हुआ है उसको ना इस तरह से हम केक के राउंड में लगाएंगे, ठीक है, और इसको ना एकदम आपको टाइटली सिक्योर करना होगा। इस तरह से केक के राउंड में घुमाकर हम इसको सेलो टेप से अच्छे से सिक्योर करेंगे और यहाँ पर ना एकदम टाइटली सिक्योर कीजिएगा, इस तरह से बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने इसको सेलो टेप से सिक्योर कर लिया है और ये एकदम अच्छे से सेट भी हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो बस एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब क्या करना है ना, हम एक फ़ोर्क लेंगे और फोर्क से ना केक को अच्छे से प्रिक करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम केक को सेट होने के लिए फ्रिज में रखने वाले हैं, तो केक ना ड्राई हो जाएगा और फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा।
इसलिए केक को प्रिक करेंगे और दूध से ना अच्छे से सोक करेंगे। बहुत ज़्यादा सोक भी मत कर दीजिएगा, थोड़ा सा 2 चम्मच दूध लिया है मैंने और उससे सोक कर दिया है। तो अब जो हमने क्रीम को बनाया है ना, उसकी हम एक लेयर को इस तरह से लगा देंगे। पहले थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे ताकि ना केक और गुलाब जामुन के बीच में गैप ना दिखे, इसलिए मैंने थोड़े से क्रीम को लगाया है। इसको ना अच्छे से हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, एक चम्मच ले लीजिए और अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिएगा। और इसके बाद ना अपने हम गुलाब जामुन के पीसेस को रखेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने ये गुलाब जामुन ले लिया है और पूरे केक को ना इस तरह से राउंड में गुलाब जामुन से कवर कर देंगे, ठीक है। और ये जो बीच में गैप बचा हुआ है ना, उसको मैं गुलाब जामुन को हाफ में कट करके भी लगा दूंगी इस तरह से। और अब हम वापस से केक को पूरे अच्छे से क्रीम से कवर कर देंगे, कोई भी गैप बीच में नहीं छूटना चाहिए इस तरह से। देखिए, पाइपिंग बैग से अगर ये काम करेंगे ना तो बहुत इजीली हो जाता है और सब जगह भी ना अच्छे से कवर हो जाता है। तो मैंने जितनी भी क्रीम बनाई है ना, सब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ अच्छे से। और ना एक चम्मच से या फिर स्पैचुला से भी आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे मैंने आप लोगों के साथ रसमलाई केक, काजू बर्फी केक की रेसिपी भी शेयर की है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। रसमलाई डेजर्ट भी शेयर किया है, सबके लिंक ना मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और अभी तो फेस्टिवल का सीज़न भी आने वाला है, तो इस फेस्टिवल के सीज़न में ये सारे केक्स एकदम परफेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छे से स्प्रेड किया है इनको, थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि अगर कोई एयर बबल्स बीच में हो ना तो वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो बीच में थोड़े थोड़े गैप्स दिख रहे हैं ना, उनको चम्मच से इस तरह से आप अच्छे से ब्लॉक कर दीजिएगा। तो ये भी एकदम रेडी हो गया है। सो बस अब ना हम केक को फ्रिज में रख देंगे लगभग 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि ना हमारा मूस एकदम अच्छे से सेट हो जाए। और दोस्तों, फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, ठीक है। तो इसको रख देते हैं हम फ्रिज में और 5 से 6 घंटे के बाद चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, 5 से 6 घंटे हो गए हैं। अब इसके सेलो टेप को ना हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। और अब ना हम धीरे से अपने OHP शीट को खोलेंगे भी, ठीक है। एकदम धीरे धीरे काम कीजिएगा, हल्के हाथों से इस तरह से अपने OHP शीट को आप धीरे धीरे खोलिए। ये देखिए, अच्छे से हमारा मूस सेट हो जाना चाहिए। अगर आपका मूस अच्छे से सेट नहीं हुआ है तो आप ना इसको वापस से फ्रिज में रख दीजिएगा। OHP शीट को ना खोलते समय मेरा थोड़ा सा यहाँ पे मूस के ख़राब हो गया है, क्योंकि मैं इसको अपने लेफ्ट हैंड से कर रही थी। तो आप ना एकदम अच्छे से कीजिएगा तो आपका एकदम अच्छे से निकल जाएगा। तो अपना ये जो थोड़ा सा मूस ख़राब हुआ है, उसको हम स्पैचुला से इस तरह से सेट कर लेंगे। ऊपर से भी हम इसको थोड़ा सा लेवल कर देंगे, जिससे कि एकदम परफेक्ट दिखने लगे। दोस्तों, वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गुलाब जामुन केक है तो ऊपर में ना गुलाब जामुन एक रख देंगे और इसके बाद ना थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसको हम गार्निश कर देंगे ऊपर में। डेकोरेशन तो बहुत ही सिंपल रखा है मैंने, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। असली मज़ा ना तो इसको कट करके आएगा, क्योंकि जब अंदर का गुलाब जामुन का लेयर दिखेगा ना, तो वो देखने में बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा गुलाब जामुन मूस केक बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। एकदम सॉफ्ट रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, माउथ मेल्टिंग टेक्सचर है इसका। और अब ना मैं आपको इसको अंदर से कट करके भी दिखाती हूँ। ये एकदम परफेक्ट बना है दोस्तों, आप कट करने के अंदाज से समझ सकते हैं। तो आप भी एक बार इसको इस फेस्टिवल के सीजन्स में ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और गुलाब जामुन का टेस्ट और उसके साथ स्वीट एंड क्रीम का कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट जाता है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। इसको सर्व करते हैं, आप देख सकते हैं देखने में कितना टेस्टी दिख रहा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए ना तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।